कार्योग गुरु रूप सात संगत सत्कार्योग सिंह साहब ज्ञानी गुरुबचन सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब दिल्ली के सिखा की महान शख्सियत उस्ताद जी संत बाबा गुरमुख सिंह जी ते होर पंतपते वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कोई राशी गल मैं कभी भी धार्मिक स्थानों पर कभी नहीं की थी, क्योंकि राशी खास मेरी है कोई नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। ते पर कौम की गल करन तो कभी गुरेज नहीं करता। मैं समझ सकता एक गल कह सकता वा कि जिहड़ी उस्ताद जी ने गल कही है कि एकता होवे, इस एकता दे लई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तुहाडे सारयां दे सहयोग नाल हर कुर्बानी करन लई तैयार है। बोले सो निहाल। और एक गल भी मैं कह सकदा, जिहड़ी गुड़ती परिवार वालों जिहड़ी सिख्या गुरु वालों मिली है, वह अकाल तख्त साहब दे जथेदार सत्कार करना ए अपना धर्म भरम है और दिल की गहराइयां तो करते हैं। कोई मसला आ जाता है तो उसनू कहन तो गुरेज नहीं करते, क्योंकि पंथ का भला देखते हैं भी पंथ का भला किस विच है। और जथेदार साहब साड़ी दिल्ली खास है कि जथेदार साढ़े ओ जवन जिस तरह साढ़े वक्त जथेदार अक्षर सिंह का नाँ सी, ज्ञानी साधु सिंह भोरा का नाँ सी, या उस्ताद जी वर्गिया शख्सियत अकाल तख्त के जथेदार जो सन अकाली फूला सिंह जी, असी तो जथेदार साहब न इतना ताकतवर देखना चाहते हाँ कि जिमें अकाली फूला सिंह को महाराजा रणजीत सिंह वर्गे डरते सन, तो इवें को सारे डरन इवें डरन। और मैं समझा कि अकाल तख्त का सत्कार करना हर सिख का फर्ज है, जथेदार साहब न सत्कार देना यह साडा परम धर्म है। पर कई ताकत जिहड़ी अकाल तख्त की मर्यादा परंपरा खोरा लाना चाहदियां, सिर्फ असी उन्होंने दसदे हाँ भी इन्हों का चेहरा यह जे, पर दिल्ली का हर सिख अकाल तख्त की मर्यादा ते परंपरा का हामी है। मैनू हुक्म आया सी जथेदार साहब का कि नानकशाला कंडर बारे भी गल कर ली है। मैं कहांगा तुसी दिल दियां गहराइयां तो हाथ रख के अज संगत दे विच गुरु दी झूरी च कह दिओ इह कोमना ठीक होया है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जैक्टिव हुण साडे जथेदार सभा नूं हुक्म करेगी भी फलाना कैलेंडर रिलीज करो तो फलाना ना करो। गल सिर्फ इतनी है, मैं बहुती विस्तार च गल नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं सत्कार करता वा दिल की गहराइया तो सत्कार करता। पर मैं कई बार कहते किंतु परंतु क्यों करता है जी, मैं कह किंतु परंतु तो भाई मैं अपने इतिहास तो गुरु इतिहास तो सीख्या, जे भाई दया सिंह दसम पातशाह कह सकता भी दसो जी संत मना कर दो तीर के नू कबर से सिर क्यों सीर क्यों चुकाया तो असं तो पूछा ना। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के बेनती है जितने भी मसले हैं जिन्हें पंथ के बीच दुफाड़ है वो पंथक इकट्ठ पंथक शख्सियत बुला लो तुसी और कोई फलानी तरीक तक फैसला कर दो। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली की समुची सिख संगत उस फैसले के उत्ते पाबंद रहेगी, तुहाडे हुक्म ते पाबंद रहेगी। सरना साहब नूं बेनती करांगे वो इस दे नाल सहमत होके दुविधा उस नूं खत्म करन दा जतन करन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। मैं किसी वाद विवाद च नहीं पैना चाहता, बिल्कुल नहीं। मैनू भरोसा है जथेदार गुरबचन सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ते कि पंथ की दुविधा खत्म करने लई संसार भर दियां पंथक संप्रदावां दा संतां दा मुखियां दा एक कट बुला के ये जिहड़ी खाली यही नहीं जिहड़े दसम ग्रंथ वाले भी भरम भुलेखे पाए जा रहे सारयां दा निपटारा करन।
ते मैं समझा कि गुरु अंग संग रहेगा, किसी को डरन की लोड़ नहीं। जो जो तुसी अपने कदम बदोगे किसी दी जुट नहीं पैनी कि कहे जी थोड़े कोई इशारा करे जी थानू उतार देंगे। मेरी गल ना मनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।